हेलो एंड वेलकम टू माय टेक ऑन सर, ये वाला लें कि वो वाला बेटर है, ये मेरी पूरी ज़िंदगी है। मतलब आपको पता है, जब मैं फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने जाता हूँ तो जो मेरे टेबल गाइड होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई क्या ऑर्डर करें, क्या है आपके पास अच्छा, उल्टा वो मुझे पकड़ लेते हैं, बोलते हैं सर पहले आप बताइए ये वाला फ़ोन लें कि वो वाला सही है। तो आप सब लोगों के लिए बनाया गया है ये शो, दिस इज द नो BS बाइंग गाइड। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो कि कोई भी टेक जर्नलिस्ट से पूछा जाता है कि कौन सा टीवी खरीदा जाए, क्योंकि टीवी की मार्केट जो है वो बिल्कुल ही बदल गई। शुरू करते हैं हाउ टू बाय अ टीवी इन 2020। हम लोग की जो ये दुनिया है ना, इज अ वर्ल्ड ऑफ इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी। हर रोज कुछ ना कुछ नया, एक अमेजिंग लॉन्च हो रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी निकल रही है, और ये सारा कुछ हो रहा है कमिंग फ्रॉम ऑल फोर डायरेक्शंस एट अस एट द स्पीड ऑफ लाइट। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने कुछ खरीदना है, आपका एक सेट बजट है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि उस एग्जैक्ट बजट में आपको उस एग्जैक्ट प्राइस पे आपको वो परफेक्ट चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए। हर कंपनी बोलेगी मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, टॉप है, बेस्ट है फीचर्स में, लोएस्ट प्राइस है, तो कैसे डिसाइड करें? बहुत कन्फ्यूजन है मार्केट में, इसलिए हम लोग ने क्रिएट किया नो BS बाइंग गाइड। कुछ भी खरीदना हो, यहाँ पे आके पूरी गाइडेंस मिलेगी। तो बाइंग एडवाइस नंबर वन, पहले तो आपकी चॉइस एक ही है और वो है 4K टीवी। ये बात याद रखिए, अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन जो है ना, वो फ्यूचर नहीं है, वो करंट है। और अब 4K टीवीज और फुल HD टीवी की प्राइस में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा। नंबर दो, ये टिप थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, टीवी पसंद करने के लिए हमेशा ऑफलाइन जाएं, यानी कि शोरूम में ज़रूर जाएं। बाद में खरीदना चाहें ऑनलाइन लें, कहीं और से लें और वहाँ पे ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, दैट्स ओके, लेकिन पहले अपनी जर्नी एक शोरूम से शुरू करें। 3-4 अलग शोरूम में जाके अलग अलग टीवीज को टेस्ट ड्राइव करिए, एंड लेट योर सेंस ऑफ साइट एंड साउंड बी द फाइनल अथॉरिटी। नंबर तीन, शोरूम जाके भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम करने पड़ेंगे। पहले तो टीवीज को नॉर्मलाइज करवाइए, यानी कि सारे शोरूम वाले जो है ना, टीवी की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को 100% पे रखते हैं। आस्क देम टू टेक इट डाउन 30%, 40%, 50%। फिर जो पिक्चर उस पर वो लोग प्ले कर रहे हैं, वो जो बॉलीवुड हॉलीवुड स्टाइल की ये स्लो मोशन प्रोडक्शन होते हैं ना, इनको कहते हैं डेमो फिल्म, और ये सब होती हैं बकवास, क्योंकि आप अपने घर पे ऐसा वीडियो नहीं देखेंगे। सेल्समैन को बोलिए पहले आपको DTH दिखाए कि कैसा लग रहा है, वो देखें। फिर उनको बोलिए इस पेन ड्राइव में, और लेके जाइए अपने साथ, बोलिए इस पेन ड्राइव में मेरे मामा जी का वेडिंग वीडियो है, वो दिखाइए, वो देखिए। फिर पता चलता है आपको कि एक्चुअली घर पे ये टीवी कैसे परफॉर्म करेगा। नंबर चार, थोड़ी सी रिसर्च खुद भी करिए। टीवी के मार्केटिंग में ना बहुत सारे एक्रोनिम, जार्गन, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी के बारे बात करेंगे, ये सब भी सब बकवास होता है। सेल्समैन आपको बोलेगा सर ये टीवी लीजिए, इसमें DVR टेक्नोलॉजी है, आप बहुत इंप्रेस हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये तो बहुत अच्छा है। बाद में आपको पता चलेगा DVR का मतलब है डबल बैटरी रिमोट। सो स्पेंड सम टाइम रीडिंग अबाउट द फीचर्स दैट एक्चुअली मैटर टू यू। नंबर पांच, OLED टीवी की जो टेक्नोलॉजी है वो LED से थोड़ी कॉस्टली होती है, और LED जो है वो LCD से थोड़ा कॉस्टली होता है, बट देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन द विजुअल एक्सपीरियंस ऑफ दीज थ्री। विजुअल क्वालिटी भी बिल्कुल यही है कि OLED बेस्ट, उसके बाद LED, फिर LCD। इनफैक्ट OLEDs में भी अलग अलग क्वालिटी और प्राइस ब्रैकेट्स होते हैं, दैट ऑल्सो यू हैव टू लुक इन टू। शोरूम जाके आप देखिए आपको कौन सा वाला टीवी पर्टिकुलरली पसंद आ रहा है, यू विल इमीजिएटली सी इट इन द पिक्चर। बट पॉकेट को भी पहले समझा दीजिएगा कि देखो फाइनल अथॉरिटी आपकी होगी, डोंट स्पेंड टू मच मनी, गो विद द बजट एंड बाय समवेयर देयर, लेकिन रिमेंबर द रूल, OLED बेटर देन LED, बेटर देन LCD। नंबर छः, अब बात करते हैं अबाउट सम धनिया मिर्ची दैट यू शुड ऑलवेज आस्क फॉर वाइल बाइंग अ टीवी। एक टीवी में 4 HDMI पोर्ट होने ही चाहिए, दैट इज मिनिमम। और अगर टीवी में 2 या 3 USB पोर्ट्स नहीं है, तो सेल्समैन को एक स्मर्की वाली सार्कास्टिक लुक दीजिए कि यार ये क्या दिखा रहे हो मेरे को। एक और बहुत जरूरी पॉइंट, 2020 में खरीदा हुआ टीवी अगर HDR कंप्लायंट नहीं है, तो आपने जो पार्किंग के 40 रुपये भी दिए वो भी बिल्कुल बेकार हो गए। Also ask for the highest refresh rate, ये भी बहुत ज़रूरी है। These will help you in getting the next generation of TVs.
एंड सिंस यू विल बी गेटिंग अ स्मार्ट टीवी, क्योंकि आजकल स्मार्ट टीवी से कम तो किसी को खरीदना नहीं चाहिए, ये जो प्री लोडेड ऐप्स हैं, सर इसमें नेटफ्लिक्स है, सर इसमें ये है, उन सबको मत देखिए। घर आके आप खुद भी अपने ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भारी भड़कम बात नहीं है दैट इट इज प्री इंस्टॉल्ड। अगला पॉइंट जो है ना, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। You see, you can still manage like this. In fact, that's what I do when I'm playing music on my TV. Only sound, screen black. But you can't manage when there is no audio. Only visuals, zero sound. So unless it has a dedicated sound bar, आपको ये लेके चलना है कि आपका जो super slim, super thin TV है, उसमें साउंड जो है बहुत ही पुअर होगी। सो वाइल यू आर वेटिंग फॉर द शोरूम गाइड टू पैक योर टीवी, सिलेक्ट एंड ट्राई टू बार्गेन फॉर अ साउंड बार, कभी कभी साथ में ही मिल जाता है। अगला पॉइंट, एंड दिस इज आई थिंक द लास्ट वन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, जो हम भूल जाते हैं व्हेन वी आर बाइंग इलेक्ट्रॉनिक्स, हम लोग जो है बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, उस ब्रांड का गारंटी, वारंटी, टर्न अराउंड टाइम, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कितना टाइम लगाएंगे। वारंटी एंड गुड सर्विसिंग इज योर बर्थ राइट एंड यू मस्ट Have it. By Big Boss के एक भी एपिसोड अगर मिस हो जाते हैं तो अगले में वो कंटेस्टेंसी चेंज कर देते हैं, एंड आपको मजाक लग रहा है, बहुत जरूरी है ये सब। सो एज प्रोमिस्ड, ये था एपिसोड नंबर 1 ऑफ द नो BS बाइंग गाइड, एंड आई होप मैंने आपको एम्पावर किया है कि अब जो आप परचेज डिसीजन लेंगे उसमें आपको मिलेगा परफेक्ट टीवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, अपने नोट्स लिख लीजिए, दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल। ध्यान रहे आपका बजट, what looks good to you and what sounds good to you should be the ultimate decision maker. आप मुझे comment section में और भी सवाल पूछ सकते हैं, I'm right here for you. Plus बताइएगा कि आपके नए TV पे मैं कैसा लग रहा हूँ right now, ये video कैसा है, मेरा audio कैसा है। Subscribe now, comment now, सारे comments मैं पढ़ता हूँ। See you soon.